अभ्यास 5P के बाद नेक्स्ट अभ्यास है बीजी व्यंजकों का भाग और गुणनखंड में 5F। बेसिकली 5F जो है ये एक्सरसाइज बेस्ड है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का गुणनखंड करना। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है, अगर कोई बीजीय व्यंजक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा हो, ठीक है, कोई बीजीय व्यंजक अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा हो तो ये क्या हुआ। पहली बात, यहाँ चर एक्स है, ए बी सी अचर है, एक्स पर दो घात, एक्स पर एक घात, यहाँ कुल पदों की संख्या 3 है। तो अगर कोई बीजीय व्यंजक द्वि घात, मतलब जिस पर दो घात हो तथा त्रिपद हो, अर्थात जिसमें 3 पद हो, त्रिपद माने 3 पद, 1, 2, 3, तो ऐसे व्यंजकों का गुणनखंड करने के लिए नियम यह है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए, उसको लेते हैं, और जो बिना एक्स का है मतलब सी, तो ये क्या है, ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और ये क्या है, गुणे सी क्या है, बिना एक्स वाला है, इसलिए क्या हो गया, नियतांक हो गया। इन दोनों का गुणा हम करते हैं, मेरी बात समझे, और इन दोनों का गुणा करके हम एक संख्या प्राप्त करते हैं, ठीक है, और उस संख्या को दो नंबर में ऐसे तोड़ते हैं, दो ऐसे नंबर में तोड़ते हैं कि उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाए, सी के बराबर आ जाए, सॉरी बी के बराबर आ जाए, ठीक है। मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, बिना एक्स वाले, बिना एक्स वाला सी, इन दोनों का गुणा करेंगे कुछ मिलेगा, सपोज कर लेते वो मिल गया एम, गुणा करेंगे तो कुछ मिलेगा, मान लेते हैं एम। अब एम के दो फैक्टर निकालो, पी और क्यू, इसके दो फैक्टर निकालो पी और क्यू, ठीक है, जिसका गुणनफल एम हो तथा जिसका योगफल किसी भी तरह से किसके बराबर हो जाए, बी के बराबर हो जाए, तो इस तरह दिए गए बीजी व्यंजक का हम गुणनफल निकाल सकते हैं, मेरी बात समझे। तो इसी ए और सी के बारे में गुणा करके हमें ऐसे दो पी और क्यू का दो नंबर खोजने हैं, पी और क्यू, जिनका गुणनफल एम हो, मतलब ए गुणे सी हो, जिसका योगफल क्या हो जाए, बी हो जाए। इसी को कंटिन्यू करते हुए इसी बात को समझने के लिए आपके अभ्यास 5C में एक पहला क्वेश्चन दिया है, दो पूर्णांक ए तथा बी ऐसे ज्ञात करिए, दो पूर्णांक ए तथा बी ऐसे ज्ञात करिए जहां पर ए धन बी क्या है, 8 है। अब आप बताओ, अंदाज से बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ए धन बी 8 है और ए गुणे बी कितना है, कितना है, ए बी का मतलब कितना दिया है, 15, तो आप बताओ, आप ए और बी की क्या वैल्यू लो कि इनका गुणनफल 15 हो जाए, तो वो संख्या हो सकती है 5 × 3, हो सकती नहीं हो सकती है। अगर ए की वैल्यू आप यहां 5 ले लो और बी की वैल्यू 3 ले लो तो ए गुणे बी कितना होगा, बोलो, ए गुणे बी कितना होगा, 5 × 3 और ए धन बी मतलब क्या हुआ, 5 × 3, तो ये बराबर 8 हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब हमें क्या लेना है, ए का मान 5 लेना है और बी का मान 3 लेना है। अब ए का अगर कोई और मान लो, बी का और कोई मान लो, तो ये दोनों समीकरण संतुष्ट नहीं होंगे। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन की बात करें, ये तो पहला पार्ट हो गया, अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो दूसरे क्वेश्चन में कहता है ए प्लस बी दिया है 13 और ए बी दिया हुआ है 12। अब बेटा देखो, जरा ध्यान देना, ये ए बी 12 दिया है, 12 को खंड करो, 12 को खंड करोगे तो कैसे लिखोगे, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 3, मतलब इसे लिखोगे 2 × 2 = 3।
लिखे ना, 12 का कितना खंड बना? 3 खंड बना। अब इसके इसको 2 खंड में बनाओ, इसको 2 खंड में बनाओगे तो एक हो सकता है 2 दुना, अच्छा एक एक भी लिख सकते हो, यहां पे 3 है कायम 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 हुआ, एक इसका ले सकते हो क्या? अभी कितने खंड हुए? 1 2 3 4, 4 हुए, 4 को किस में बदलना है? 2 खंड में। तो हम पहला वाला इसे लिख लेते हैं 2 गुणे 3 दुना 6 कायम 6, एक ये बनेगा। अभी 2 को हमने यहां लिख दिया, बाकी सबका गुणा कर दिया, अभी इस 2 को इसके साथ गुणा करो, 2 दुनी और 3 कायम, एक दूसरा ऐसा बन सकता है, तीसरा क्या बन सकता है? 2 दुनी 4 और 4 तिया 12 और गुणे 1, 3 बन सकता है। अब बताओ, लेकिन शर्त यह होनी चाहिए कि अगर ए मैं 2 लूं, बी 6 लूं, या ए 4 लूं कि बी 3 लूं, या ए 12 लूं कि एक बी 1 लूं, यह हमको सोचना है। चलो ए बी इन सब का गुणनफल तो 12 मिल गया, लेकिन इसमें किन 2 का योगफल 13 मिलेगा, ये बताओ। तो 2 में 6 जोड़ोगे 8, नहीं मिला, हमको योगफल भी तो 13 चाहिए। 4 में 3 जोड़े 7, नहीं मिला, लेकिन 12 में 1 जोड़ दो 13, बोलो 12 में 1 जोड़ दोगे तो 13। तो इन तीनों में से ये वाला फैक्टर गलत हो गया, ये वाला फैक्टर गलत हुआ। यहां ए की वैल्यू कितना लेना है? 12, और बी की वैल्यू लेना है 1, क्योंकि 12 में 1 जोड़ोगे हो जाएगा 13। तो यहां पर यह चीज लेना है। समझ में आया कैसे लेना है कि नहीं समझ में आया? देखो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में लिखा है ए धन बी कितना लिख रखा है? 1, और ए बी बराबर कितना लिख रखा है? -20। हमें क्या चाहिए? ए की वैल्यू ऐसी लेनी है और बी की वैल्यू, उनका योगफल 1 हो जाए और गुणनफल 20 हो जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? 20 का खंड करना चाहिए, 20 का फैक्टर निकालना चाहिए। तो 20 को काटो, 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा, इसके कितने फैक्टर बने बेटा? माइनस ऐसे रहने दीजिए, इसके फैक्टर बने 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 1, ऐसा बना कि नहीं बना? अब हम क्या करेंगे, इसको 2 फैक्टर में बदलेंगे। तो एक फैक्टर देखो ऐसे लिखो, 2 गुणे, अच्छा माइनस है तो माइनस रहने दो ऐसे, 2 गुणे 5 दूना 10 है कायम 10। दूसरा फैक्टर क्या बन सकता है बताओ? 2 दूनी 4 गुणे 5 बन सकता है, बोलो 2 का 2 में गुणा कर दिया 4 और 5 का 1 में गुणा कर दिया 5। तीसरा फैक्टर क्या बन सकता है? 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4 25 20 गुणे 1, लेकिन सबके पहले क्या है? माइनस है। ये बात समझ आ रही? अब आपको चाहिए क्या? ए धन बी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ए धन बी क्या होना चाहिए? 1। यहां पर माइनस हर जगह है, माइनस हर जगह है। अब बताओ बेटा, अगर ये माइनस मैं 4 के साथ रख दूं, क्योंकि यहां देखो 10 दुई 12, हमें क्या चाहिए? इन दोनों को जोड़े तो 1 होना चाहिए। अगर ए 2 है बी 10 है तो 10 दू 12 होगा, और 10 में से 2 घटाओगे 8 आएगा, क्या वो 1 आया? नहीं। 5 में 4 जोड़ो 9 आएगा, और 5 में 4 घटाओगे 1 आएगा, यहां संभावना बन रही है। 20 में 1 घटाओगे 19 आएगा, 20 में 1 जोड़ोगे 21 आएगा, हमें चाहिए कितना? 1 चाहिए ना। तो इसकी पॉसिबिलिटी है, ये तो आपका गलत हो गया और ये भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो यहां पर अब 2 चीज आई, यहां से 2 चीज मिला, या तो ए की वैल्यू -4 लो, ठीक है, बी की वैल्यू 5 लो, या ए की वैल्यू 4 लो बी की वैल्यू -5 लो। मेरी बात समझे नहीं समझे? क्योंकि एक माइनस है ना, तो इस माइनस को या तो 4 के साथ रखो या तो 5 के साथ रखो, एक ही माइनस है, एक ही नंबर के साथ रह सकता है। अब अगर 4 के साथ रखोगे ए को और बी को 5 के साथ रखोगे, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ए धन बी कितना आएगा? कितना आएगा बोलो? 5 में से 4 घटेगा 1 आएगा, चिन्ह बड़े वाले का रहेगा, बड़ा वाला चिन्ह 5 है, 5 का चिन्ह है, 5 का चिन्ह धन है तो धन लिखा जाएगा। अगर हम यहां पर इन दोनों को जोड़ते हैं ए धन बी, तो ये धन है ये ऋण है, घटेगा, आएगा तो एक ही, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? बड़े वाले का। हमें चाहिए क्या? प्लस चाहिए, ए धन बी 1 के बराबर चाहिए। तो हमारा ये वाला चीज क्या हो गया? सही हुआ। इसलिए यहां पर ए की वैल्यू क्या लेनी चाहिए? -4, और बी की वैल्यू क्या लेना चाहिए? 5। बोलो ये लाइन समझ आई कि नहीं आ गई? छठा क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, क्या है? ए धन बी
ए धन बी बराबर माइनस पांच लिखा और ए बी बराबर लिखा चार। ए बी बराबर क्या लिखा? चार। बेटा चार का फैक्टर करो, चार का क्या फैक्टर हो सकता? दो गुणे दो गुणे एक, यही होगा ना। अब एक फैक्टर बना क्या? दो गुणे दो को छोड़ो, यहां लिखो दो एक है। दूसरा फैक्टर क्या बना? दो दुनी चार गुणे एक। तीसरा कोई फैक्टर और बनेगा? नहीं बनेगा। दो में जो जोड़ोगे चार आएगा और घटाओगे तो जीरो आएगा। आपको क्या चाहिए? ए धन बी पांच चाहिए था ना। चार में एक जोड़ो पांच आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो पांच तो आ गया लेकिन हमें क्या चाहिए? माइनस चाहिए। माइनस चाहिए नहीं चाहिए। तो बेटा यहां से अगर ए की वैल्यू मैं चार लूं और बी की वैल्यू कितना लूं? वन लूं, तो चार और एक जोड़ने से तो पांच आ रहा है लेकिन समस्या क्या? हमें चाहिए माइनस पांच, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये कब और जुड़ सकते हैं? या तो दोनों का चिन्ह धन हो तब जुड़ सकते हैं, या तो दोनों का चिन्ह ऋण हो तब जुड़ सकते हैं। ये दो पॉसिबिलिटी है। या तो दोनों धन हो तो जुड़ेंगे तब पांच आएंगे, या दोनों का चिन्ह ऋण हो तो जुड़ेंगे तब पांच आएंगे। लेकिन अगर दोनों का धन है चिन्ह तो धन आएगा, और दोनों का चिन्ह ऋण है तो ऋण आएगा। हमको क्या चाहिए? यहां क्या चाहिए? ऋण पांच चाहिए ना। तो इसका मतलब ऋण चार और ए की वैल्यू ऋण चार और बी की वैल्यू ऋण एक लेना होगा। लेना होगा कि नहीं लेना होगा? तो हमने लिया ए की वैल्यू ऋण चार और बी की वैल्यू एक लिया, ऋण पांच हो गया। अगर इन दोनों का गुणा करूं, मैं ऋण चार का ऋण एक में गुणा करूं तो ऋण गुणे ऋण धन हो जाएगा और चार का है गुणनफल कितना मिलना चाहिए था? चार। ऋण का गुणा ऋण के साथ हो जाएगा धन, तो यह संतुष्ट हो गया। इसका मतलब ए की वैल्यू यहां क्या लोगे? माइनस फाइव। और बी की वैल्यू क्या लोगे? माइनस सॉरी ए की वैल्यू फोर और बी की वैल्यू कितना होगा? माइनस वन। इसका पांचवा पार्ट है, ए धन बी माइनस एक के बराबर है और ए बी किसके बराबर है? माइनस बारह के बराबर है। ऐसा है कि नहीं? हमें ए और बी का गुणनफल माइनस बारह लाना है। तो माइनस तो बाद में लाएंगे, पहले बारह का खंड करें। जब बारह का खंड करेंगे तो दो छक्के दो तिया तीन कायम कितने खंड हुए? ऋण दो गुड़े तीन गुड़े एक, इतना खंड हुआ। अब इसके दो खंड बना चेंज करो। क्यों चेंज करना है? क्योंकि हमें ए धन बी की वैल्यू ऋण एक लानी है। तो पहला काम क्या करो, ये ऋण ऐसे रहने दो। एक इसका खंड क्या हो सकता है? देखो एक इसका खंड हो सकता है ऋण दो गुड़े तीन दुना छह, एक खंड हो सकता है। हो सकता कि नहीं हो सकता? दूसरा क्या हो सकता है? ऋण दो दुनी चार गुड़े तीन, तीसरा खंड क्या हो सकता है? दो दुनी चार तिया बारह, ऋण बारह गुड़े एक। और भी कोई खंड हो सकता है? हमें तो नहीं लग रहा कोई खंड हो सकता है। अब आ जाओ, अब ये ऋण के बारे में ना सोचो, ऋण के बारे में बाद में सोचना। छह में दो जोड़ोगे आठ आएगा, और छह में से दो घटाओगे चार आएगा। चाहिए कितना? एक चाहिए। चार में से तीन घटाओगे, मैंने कहा माइनस की बात ना करो अभी। चार में से तीन घटाओगे एक, और चार में तीन जोड़ोगे सात, तो सात नहीं चाहिए एक चाहिए। चार में से तीन घटाने पर एक तो मिल रहा है। अब आइए बारह में एक जोड़ोगे तेरह, और बारह में से घटाओगे ग्यारह, न तेरह चाहिए न ग्यारह चाहिए। तो बेटा ये भी खत्म, ये भी खत्म, एक मिल गया क्योंकि चार में से तीन घटाने पर आना चाहे आ रहा है एक। अब समस्या है एक के साथ चिन्ह क्या है? ऋण। तो इस ऋण भाई साहब को मैं चाहे चार के साथ रखूं चाहे तीन के साथ, आप अगर ऐसे ब्रैकेट लगाते तो और क्लियर होता। मेरी बात समझे? अब इस ऋण को किसके साथ रखूं? अब यहां से दो पॉसिबिलिटी बन रही है, या तो ए की वैल्यू ऋण चार लूं तो बी की वैल्यू तीन लूं, या तो ए की वैल्यू धन चार लूं बी की वैल्यू ऋण तीन लूं। क्योंकि ऋण को तो हटाएंगे नहीं, ऋण तो कहीं एडजस्ट करेंगे ना। तो या तो वो पहले नंबर के साथ लिखो या तो दूसरे नंबर के साथ लिखो। लिख दिया, लिखा कि नहीं लिखा? अब बताओ अगर मैं इन दोनों को जोड़ू, ए धन बी कितना हुआ? ऋण चार धन तीन कितना होगा? ऋण एक होगा। और इन दोनों को जोड़ू तो ए धन बी बराबर चार में से तीन घटा एक, लेकिन यहां प्लस आएगा। हमें क्या चाहिए?
तो हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए? ए की वैल्यू -4 और बी की वैल्यू 3। बोलो, कोई डाउट? अगला क्वेश्चन देखो, ए धन बी की वैल्यू क्या दे रखा है? छठा क्वेश्चन, ए धन बी की वैल्यू क्या दे रखा है? ए धन बी की वैल्यू दे रखा -11 और ए बी की वैल्यू कितना दे रखा है? 10। अब बताओ इस 10 के कितने फैक्टर? मात्र 3 फैक्टर, 2 × 5 × 1 हो सकते हैं। अब या तो एक फैक्टर लिखो 2 × 5, 2 छोड़ो 5 × 5, या तो दूसरा 2 × 5, 10 × 1 ये लिख सकते हो, दो ही फैक्टर होगा, तीसरा होगा नहीं। अब 5 में 2 जोड़ो 7 आएगा, चाहिए कितना? तो ये तो खत्म हो गया, घटाने पर तो और घट जाएगा, 10 में 1 जोड़ोगे 11 आएगा ना। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, ये तो पूरा खत्म हो गया, इसकी बात खत्म। अब ये 10 का 1 में गुणा करें, 10 आ गया इन दोनों का गुणनफल। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, हमें क्या चाहिए? ऋण 11 चाहिए। ऋण 11 कब आएगा? जोड़ हमें ऋण 11 चाहिए। तो इसके दो तरीके हैं, या तो भैया दोनों का चिन्ह पॉजिटिव हो, क्योंकि दोनों जुड़ेंगे, बिना जुड़े तो 11 मिलेगा नहीं, मिलना दोनों जोड़ना ही है, क्योंकि हमें 11 चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, या तो दोनों के साथ धन चिन्ह रखते हैं, या तो दोनों के साथ ऋण चिन्ह रखते हैं। अब बताओ इसका गुणा करेंगे तब भी धन 10 होगा, इसका गुणा करेंगे ऋण गुणे ऋण धन, 10 × 10 = 10 ही होगा। तो गुणे में तो कोई टेंशन नहीं, गुणा तो ठीक है, चाहे दोनों प्लस रखो चाहे दोनों माइनस रखो। इसको जोड़ोगे धन 11 आएगा और इसको जोड़ोगे ऋण 11 आएगा, हमको चाहिए क्या? तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? ये होगा। इसका मतलब ए की वैल्यू हमें क्या लेना है? -4 और बी की वैल्यू लेना है -1। लास्ट क्वेश्चन है, ए धन बी इज इक्वल टू 8 है और ए बी इज इक्वल टू -20 है। अगेन यहां पर सोचिए इस 20 को क्या लिखा जा सकता है, इस 20 को क्या लिखा जा सकता है? यहां एक माइनस है तो इसको लिखा जा सकता है बराबर 2 × 2 = 4 × 5 × 1 ऐसा लिखा जा सकता। बोलो 2 × 4 = 20 × 20 ऐसा लिखा जा सकता। अब इसके सारे पॉसिबल खंड निकालो, पहला खंड क्या होगा? -2 × 5 × 10 होगा, दूसरा क्या होगा? कामा -2 × 4 × 5 तीसरा क्या होगा? 5 × 10 × 20 तीसरा क्या होगा? -20 × 1 हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो हमें चाहिए क्या? 8 चाहिए, 10 में से 2 घटाओगे 8 मिलेगा ना, घटाने पर 8 मिल रहा ना, मिल रहा, जोड़ने पर 12 मिल रहा है, हमको 8 चाहिए था यहां से मिल रहा, 5 में 4 जोड़ोगे 9 और 5 में से 4 घटाओगे 1, ये तो ऐसा नहीं होना। 20 × 1 2 × 2 = 4 = 25 × 1 20 × 1 में 20 और 1 को जोड़ोगे 21 और 20 में से घटाओगे 19, ये वैसे नहीं होना। यहां पे आइए, ये कहता है भैया 10 में से 2 घटाइए तब हम 8 मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है? गुणनफल तो हमें चाहिए -20, तो माइनस तो है, नो टेंशन। लेकिन इस माइनस को किसके साथ रखें? माइनस के 2 के साथ रखें कि 10 के साथ रखें? तो हमें किसके साथ रखना पड़ेगा, किसके साथ रखना पड़ेगा? माइनस को 2 के साथ रखना पड़ेगा और इसको क्या रखना पड़ेगा? 10 को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। क्यों? दोनों का गुणा -20 होगा और 10 और 2 जब जुड़ेंगे, ए धन बी 8, धन 8 होना चाहिए, तो जब ए अधिक रहेगा और बी कम रहेगा तभी तो यह संभव होगा। तो बेटा 10 में से 2 घटेगा 8 होगा, चिन्ह बड़े का लिखा जाएगा, बड़े का चिन्ह 10 वाला है, तो धन 8 मिला कि नहीं मिला? अगर ये चिन्ह इसके साथ लिख देते घट तो तब भी जाता 8 होता, लेकिन चिन्ह ऋण आ जाता। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? ए की वैल्यू धन 10 और बी की वैल्यू ऋण।